स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि SEO के लिए सिंगल पेजर वेबसाइट इज गुड और नॉट। दोस्तों ये जानना ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं बट उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते, सिर्फ वो एक सिंगल पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो क्या वो SEO के लिए बढ़िया है या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम आपको डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या SEO में सिंगल पेजर वेबसाइट बेटर होती हैं, क्या उसके फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, और उसका कंक्लूजन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में दूंगा। तो पहले हम इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स जानेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि आज की डेट में सिंगल पेज वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस उसको अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं। तो सिंगल पेज वेबसाइट नॉर्मली या तो HTML पे बनी होती है या फिर कोई अगर किसी ने CMS भी यूज़ कर रखा होता है, बट क्या है कि उसके अंदर एक सिंगल पेज होता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को एक बार में मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सिंगल पेज वेबसाइट के भी और मल्टी पेज वेबसाइट के भी, फिर उसके बाद हम बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल की प्लक्स की वेबसाइट है और इट इज़ अ सिंगल पेज वेबसाइट। एज यू कैन सी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ किसी भी टैब के ऊपर, तो वो मेरे को उसी पेज पे उस पर्टिकुलर टैब से रिलेटेड जो कंटेंट या इमेज है वहाँ पर वो लेके जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक सिंगल पेजर वेबसाइट जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, अब यहाँ पर होम है, कैपेबिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, न्यूज़ हैं, तो इस तरीके से एक सिंगल पेज के अंदर उस कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब ऐसे टम्बलर है, अब टम्बलर पे जहाँ पर पर्सन को लॉगिन करना है, ठीक है, या अपने अकाउंट सेटअप करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगल पेज में टम्बलर की वेबसाइट पे आए और यहाँ पर उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जान सकते हैं, और अपना अगर अकाउंट है तो स्टार्ट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं है तो साइनअप कर सकते हैं। तो यहाँ एक ही पेज के अंदर उन्होंने बताया भी है, इन्फॉर्मेशन भी दी है और लॉगिन साइनअप का भी दिया है। अब मल्टी पेजेस की वेबसाइट्स कैसे होती है, जैसे कि आप मार्केटिंग फंडास की वेबसाइट देख लीजिए, तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल पेजेस हैं, टैब्स हैं, कैटेगरीज, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, वो भी हमारे मल्टीपल पेजेस हैं उसके अंदर। फिर यहाँ पर आप देखें कितने सारे पेजेस, लगभग 60-70 से ऊपर पेजेस मेरी इस वेबसाइट के अंदर हैं। और यहाँ पर होम पेज पे भी आप कंटेंट देख सकते हो, किसी में पेज पे लाइक क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, ना कि उस। और सिंगल पेज वेबसाइट में क्या होता है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ टैब पे तो मैं उसी पेज पे हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको दिए सिंगल और मल्टी पेज वेबसाइट के। अब हम जानते हैं बेनिफिट्स। अब जैसे कि पहला बेनिफिट है कि अगर सिंगल पेज वेबसाइट है तो जो उसका मोबाइल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल पेजेस वेबसाइट्स जहाँ पर बहुत सारी नेविगेशंस होती हैं, ठीक है। सेकंड बेनिफिट होता है कि सिंगल पेज है, ऑब्वियसली उसके अंदर उतना ज़्यादा कंटेंट और डाटा नहीं है, तो वो बहुत तेज़ी से लोड होता है, ठीक है, तो ये एक और बेनिफिट होता है। और तीसरा बेनिफिट कि सिंगल पेज वेबसाइट जो है वो इजी है टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, या स्पेसिफिक कंटेंट या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है तो आप एक सिंगल पेज के थ्रू दे सकते हो, ताकि कस्टमर इधर उधर ना जाए, वो स्पेसिफिक चीज़ देखे जिसके लिए आप दिखाना चाहते हो। अब दोस्तों हम इसके फोर्थ बेनिफिट में आते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट कैन प्रोवाइड हायर पेज अथॉरिटी। तो इस पे पेज अथॉरिटी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल पेज वेबसाइट। अब हम आते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो कीवर्ड लिमिटेशन, अगर अब हम SEO के बारे में बात करें तो SEO में हमें कीवर्ड की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं पेजेस, ताकि मल्टीपल कीवर्ड्स और मल्टीपल टाइटल्स, हेडिंग्स और पेजेस हम क्रिएट कर सकें और उस पर हम टारगेट कर सकें अलग अलग कीवर्ड्स। तो बहुत सारे कीवर्ड टारगेट करने हैं तो एक सिंगल पेज में नहीं हो सकते, एक पेज में से 4 या 5 कीवर्ड ही टारगेट हो सकते हैं। लैक ऑफ डिटेल्ड कंटेंट,
कि ऑब्वियसली एक लिमिटेड कंटेंट ही एक पेज पे आ सकता है, बट मल्टीपल पेजेस वेबसाइट में अनलिमिटेड कंटेंट आ सकता है, जो कि हर सर्च इंजन को प्यारा होता है जितना ज़्यादा कंटेंट हो। और दोस्तों सिंगल पेज वेबसाइट जनरली अलाउ नहीं करी जाती है जब हम एडवांस एसईओ की बात करते हैं, या हमें बहुत ही एडवांस और ब्रॉड वे में एसईओ करना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि दोनों अपनी जगह, मल्टीपल पेज और सिंगल पेज अपनी जगह बेटर है, बट जो अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल पेज वर्क नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए मेटा टैग्स, टाइटल्स, कंटेंट, हर चीज़ चाहिए जिसकी उसमें लिमिटेशंस होती हैं। तो एसईओ के लिए सिंगल पेज इज नॉट गुड। तो ये मैंने आपको तो दोस्तों आज हमने जाना इस सिंगल पेज वेबसाइट गुड और नॉट फॉर एसईओ। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और एसईओ को एडवांस लेवल पे सीखने के लिए इस सीरीज को पूरा देखें। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग डायरेक्ट मेरे से लेना चाहते हो तो आप दिल्ली में हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारी वेबसाइट marketingfundas.com या हमारे दिए हुए नंबर्स के थ्रू। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।